हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुमड़े की सब्जी बनाएंगे। तो ये कुमड़ा लिया है, तो ये ज़्यादा पका नहीं है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं है, लेकिन पका रहा तो उसकी भी सब्जी अच्छी बनती है, लेकिन बहुत लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि वो ज़्यादा मीठा लगता है करके। तो ये मैंने कुमड़ा लिया है, ये है एक पाव है, और उसके लिए फिर मैंने प्याज लिया है छोटा वाला, छोटा वाला टमाटर लिया है, और तेज पत्ता लिया है, करी पत्ता लिया है, और बाकी के साहित्य हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में बघार के लिए। हम कुमड़े में पानी डालेंगे ताकि वो साफ हो जाए, इम्प्योरिटीज निकल जाए उसकी, और कढ़ाई में तेल डालेंगे। अभी गाइस, कुमड़े के तेल में थोड़ा सा ज़्यादा तेल रहा तो अच्छा लगता है, कुमड़े के सब्जी में थोड़ा सा तेल अच्छा रहा तो अच्छा लगता है, तो मैं तेल डालूंगी अभी। तेल गरम हो गया है, हम राई डालेंगे। राई हमारी तड़तड़ हो रही है, हम तेज पत्ता डालेंगे, हम करी पत्ता डालेंगे। और हमने ये अदरक का टुकड़ा लिया है, और ये लहसुन की कलियां ली है मैंने 5-6। गाइस, आप पेस्ट भी डाल सकते हो, कुटके भी डाल सकते हो, ऐसा ना भी किए तो भी चलता है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा फास्ट गैस पे डालना पसंद करती हूँ, ऐसे ही कभी कभी सब ऊपर से तभी के तभी। और फिर अभी हम टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी नरम होने देंगे, अभी गैस को फास्ट ही रखेंगे। ऐसे आवाज आनी चाहिए गाइस, सुर 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 की। अभी प्याज है वो हल्के ब्राउन हो गए हैं, टमाटर भी नरम हो गए हैं, तो अभी हम गैस को कम करेंगे और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये मैं थोड़ा ज़्यादा तीखा बनाऊंगी क्योंकि जो कुमड़ा रहता है वो थोड़ा सा मीठा रहता है, तो सब लोग पसंद नहीं करते मीठा, तो इसीलिए तीखा पसंद रहता है, तो इसलिए मैं तीखा, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप लाल मिर्ची कम डालिए। मैंने हल्दी डाल ली, अब मैं गरम मसाला डालूंगी। तेज में अभी थोड़ा डालूंगी गरम मसाला, आधा चम्मच। और गैस को हम फास्ट करेंगे। ये हमने धो लिए हैं अच्छे से, अभी गैस को कम करेंगे। इसको घुमा के ढक देंगे। इसको पकने देंगे।
और हमने नमक डालना है अभी। तो नमक आप अगर आपको ऐसे रखना है भाप में पका के तो ये पक जाएगा, तो ऐसे रखना है तो कम नमक डालिए, अगर आपको ग्रेवी बनाना है तो आप ज़्यादा नमक डालें। तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी इसलिए मैं नमक उस हिसाब से डाल रही हूँ। और मैं थोड़ा खसखस भी डालूंगी, वो थोड़ा सा ग्रेवी पे दिखता है तो अच्छा लगता है, तो खसखस भी डालूंगी थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम। अभी हम इसको ढककर पकने देंगे, थोड़ा पकने देंगे। गैस हम अभी पानी डालेंगे इसमें, गैस को फास्ट करेंगे। और ढक के इसको जब तक ये कुमड़ा पक ना जाए तब तक के हम इसको पकने देंगे। ये हल्का उबाल आया है, हमारे पकने के है अभी और पकाएंगे हम। और वैसे भी कुमड़े की सब्जी जल्दी पकती है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये 10-5 मिनट में हो जाएगा। ये हमारी सब्जी पक गई है, क्योंकि कुमड़े को ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये सफ़ेद है इसलिए, कुमड़ा ज़्यादा पका नहीं है इसलिए ऐसे दिख रहा है, नहीं तो कुमड़ा हमारा पक गया है। और फिर नहीं पका तो चेक करने के लिए हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। और अभी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गाइस जब भी हमने गरम मसाला थोड़ा कम डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर से भी डालना रहता है इसलिए मैंने शुरू में कम डाला था, तो ये मैंने डाल लिया है अपने हिसाब से गरम मसाला। और अभी हम कोरिएंडर डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखिए गाइस स्पून हमारा इसमें जा रहा, तो ये पक रहा है, बाकी भाप में पकेगा, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो गल जाएगा। तो हमारी सब्जी हो गई है, अभी रेडी टू सर्व है, हम बंद कर देंगे गैस को।